आज ज़िला नासिक का दो रोज़ा उमूमी इज्तिमा जो 40 गांव फाटे के आगे होटल शिमला इन के पीछे मुनाकिद हो रहा है। इस इज्तिमे का आगाज़ जहर की नमाज के बाद शुरू हुआ। इज्तिमा की तैयारियां बहुत ही कम वक्त में इंतहाई तेज़ी के साथ मुकम्मल की गई। आज इज्तिमा के पहले दिन मालेगांव समेत ज़िला भर से लोग जोग दर जोग इज्तिमागाह में शरीक हो रहे हैं। नमाज जहर के बाद मौलाना उस्मान भलवन ने बयान किए। नमाज मगरिब के बाद मौलाना अब्दुल फत्ता साहब बयान कर रहे थे। उस वक्त आमतुल मुस्लिमीन की हज़ारों की तादाद बयान सुनने के लिए पिंडाल में मौजूद देखे गए। आज 16 फरवरी बरोज़ जुमरात जहर से इज्तिमा शुरू कर दिया गया। इसमें इज्तिमा की तमाम तर इंतज़ामी उमूर मुकम्मल तौर पर खिदमात के लिए तैयार हैं, जैसे वज़ू खाना, तहारत खाना, पार्किंग जोन, खाने के जोन, पानी की सबील, पानी के टैंकर, चाय का नज़्म, फायर ब्रिगेड गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी, आर्जी दवाखाना वगैरह। आज पहले दिन हज़ारों की तादाद में मुसलमानों का मजमा नज़र आया। कल जुमा को दूसरे व आखिरी दिन लाखों की तादाद में आमतुल मुस्लिमीन की हाज़िरी की उम्मीद बताई जा रही है। मुमकिन है बैरून शहर से कई मेहमानों की कल आमद होंगी। इन्हीं मेहमानों ने उलमा इकराम के बयान और दुआ पर ज़िले नासिक का उमूमी इज्तिमे का इख्तिताम पज़ीर होगा। याद रहे कि मौलाना अब्दुल फत्ता साहब का मुख्तसरन बयान भी इस वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा हो जाए, इसी की तैयारी में सब लगे। कल की चाय आज से अच्छी हो और कल की बोटी आज से अच्छी हो, कल का दिन आज से अच्छा गुजरे, कल की राहतें आज से बेहतर हो, कल का लुत्फ आज से बेहतर और ज्यादा हो, साथ कल की कल को बेहतर बनाने की फिक्र में लगे। आने वाला कल आज से बेहतर हो जाए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ये कष्ट कल 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 नहीं, यानी इस जिंदगी के खत्म होने के बाद वाला जो कल है, असली वाला कल, ये तो कल जो रोज आता है ना, ये नकली वाला कल है, ये असली वाला कल नहीं। इसलिए कि आज जो कल है तो कल वो आज हो जाएगा, तो असली कल कहाँ रहा, वो तो आज हो गया। ये जो नकली वाला कल है उसको बेहतर बनाने की फिक्र में मत पड़ो, जो असली वाला कल है उसको बेहतर बनाने की फिक्र करो, उसकी फिक्र करो। तब मैं आपको कल के लिए तैयार करो और अपने कल को बेहतर बनाओ। तो कौन सा कल? ये जो रोज आना आ रहा है और आज बन जा रहा है, ये कल नहीं, बल्कि वो कल जो आएगा तो कभी जाएगा ही नहीं, वो कल। जब वो आ जाएगा तो फिर वो कल होगा ही नहीं, वो आज ही रहेगा, ऐसा कल। तो उसको बेहतर बना, सारी जिंदगी में ये कि हम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है और जिंदगी दी है, तो इस दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के बाद आखिरत वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, और ये जिंदगी उसको बेहतर बनाने के लिए नहीं। तो बेहतर बनाओ, समझेगा? तो यहाँ क्यों बुलाते हैं? हाँ,
शहर के हर मोहल्ले से आए, जिले के हर सेंटर से, हर बस्ती से ईमान वाले जमा हो गए, सफर कर करके आए, अपने कामों की तरतीब लगा लगा के आए। ये छोटा सा इज्तम है, हमारे जिले का इज्तम। इस इज्तम में बुलाकर एक बड़े इज्तम की तैयारी की तरफ मुतवज्जे करना था। ये तो छोटा इज्तम है, एक बड़ा इज्तम होगा। और इस इज्तम में तो आप स्टेज के सामने बैठे हो और आने वाला बात कर रहा है, सब सुन रहे हो। एक बड़ा इज्तम होने वाला जहां हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिरी देंगे, वहां बयान नहीं होगा, तकरीर नहीं होगी और तश्कील भी नहीं होगी, यहाँ तो बयान होगा है ना भाई, और तश्कील होगी। वहां बयान नहीं होगा और तश्कील नहीं होगी, वहां जो करके आए, जो जिंदगी गुजार कर आए उसका हिसाब क्या करके आए। तो इस छोटे इज्तम में बुलाकर उस बड़े इज्तम की फिक्र पैदा करना है। उसकी फिक्र अगर पैदा हो गई तो ये फिक्र इंसान की सही फिक्र है और ये जिंदगी ने इसको सही चलाई, पूरी जिंदगी इसको सही चलाई। और ये फिक्र अगर पैदा ना हुई तो फिर पूरी जिंदगी इंसान सही नहीं चल सकेगा, गलत चलेगा। अगर इंसान के दिमाग में ये सौदा समा गया कि दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा और जीने के लिए सामान्य हयात चाहिए, कैसे जिएंगे, जीने के लिए सामान चाहिए। रात है तो अगर जीना है तो रात के अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी चाहिए, रात को आराम की जरूरत है तो आरामदायक चाहिए, बिस्तर चाहिए, आरामगाह चाहिए। समझेगा, और सुबह होगी तो नाश्ता चाहिए, दोपहर होगी तो खाना चाहिए, शाम होगी तो खाना चाहिए। तो खाना, कपड़ा, लिबास, मकान, जरूरियात जिंदगी, ये जिंदगी के सामान है, ये सामान हयात अगर मुयस्सर है तो आदमी इत्मीनान से जी सकेगा। और अगर सोने की जगह नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, उसमें बैठने का ठिकाना नहीं, सर छुपाने का आदमी को ठिकाना नहीं, खाने का इंतजाम नहीं, नाश्ते का इंतजाम नहीं, सवारी का इंतजाम नहीं, तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगी। तो अगर दिल में ये सौदा समा गया कि दुनिया में आए हैं, दुनिया में जीना है, तो जीने के लिए सामान्य हयात चाहिए और तमाम सामान्य हयात जिंदगी के सामान, इनका इंतजाम कहाँ से होता है, अरे कहाँ से होता, बाजारों से। सारे जिंदगी के सामान कहाँ से मिलते हैं, तो बाजारों से। रहने के लिए घर चाहिए तो घर बनने का सामान बाजार से मिलेगा, जीने के लिए खाना चाहिए तो खाने की सामान चीजें बाजार से मिलेंगी, जीने के लिए कपड़ा चाहिए तो कपड़े का इंतजाम बाजार से होगा, जीने के लिए सवारी चाहिए तो सवारी का इंतजाम बाजार से होगा। तो सारे सामान हयात बाजार से हासिल होते हैं। तो जिंदगी का मरकज कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बाजार। और रसूल सल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, इस जमीन पर सबसे बदतरीन जगह कौन है, बाजार।
तो अगर जीने की फिक्र इंसान में पैदा हो गई तो जिंदगी का ताल्लुक उस बाजार से जुड़ेगा जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बुतपरस्तीन जगह इस जमीन पर बाजार है। जब ताल्लुक कायम हो गया सबसे बुरी जगह से तो जिंदगी अच्छी कैसे बन जाएगी? जब बुरी जगह से ताल्लुक कायम हो गया तो जिंदगी अच्छी कैसे बन जाएगी? तो यहां बुलाकर समझे साहब इसी सोच को बदलने की कोशिश है कि हर आने वाला हर ईमान वाला इस सोच को अपने अंदर से निकाले कि हम इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आए हैं और हमारी जिंदगी जीने की तैयारी के लिए नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी काय की तैयारी के लिए है। काय के लिए भाई? मरने की तैयारी। मरने की तैयारी करो। मरने की तैयारी के लिए बाजार की कोई जरूरत ही नहीं। बाजार की कोई जरूरत नहीं। बाजार हो सारी दुनिया के बाजार मिल जाए तब भी मरने की तैयारी हो सकती नहीं हो सकती। सारे बाजार खत्म हो जाए और बाजार के सारे सामान खत्म हो जाए तब भी मरने की तैयारी हो सकती। तो अगर दिल में ये सौदा समा जाए कि हम दुनिया में मरने के लिए आए हैं जीने के लिए नहीं और हमें जिंदगी मिली है मरने की तैयारी के लिए जीने की तैयारी के लिए नहीं, तो सोच बनेगी मरने की और मरने की तैयारी की। तो मरने की तैयारी कहाँ से होती है? मरने की तैयारी क्या है? तो मरने की तैयारी, मरने की तैयारी कोई लंबा चौड़ा नहीं। टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर कोई जरूरत नहीं है, पैदल भी मरने की तैयारी हो सकती है। न टू व्हीलर की जरूरत है, बाईस व्हील की भी जरूरत है, कोई भी जरूरत नहीं। पहिए की जरूरत है ही नहीं मरने की तैयारी की। मकान की भी जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे खानों की जरूरत नहीं, दुनिया के कीमती सामानों की जरूरत नहीं। मरने की तैयारी के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एक चीज। और वो एक चीज ऐसी है कि वो अगर हाथ में आ जाए तो सब हाथ में। क्या है वो? तो मरने की तैयारी के लिए सिर्फ जरूरत है अल्लाह को राजी होने, बस अल्लाह राजी हो जाए हो गई मरने की तैयारी। और जब अल्लाह राजी हो गया तो फिर किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं। वो राजी हो गया तो फिर किसी चीज के होने ना होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमीन मेरी। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमीन मेरी। अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी।